अच्छा, आपने काफ़ी ज़्यादा ऐसी साइट्स देखी होंगी जिस पे आपके सामने एक ऑप्शन आ रही होगी कि आप वीडियोस देख सकते हैं, एंड ये वो साइट्स हैं जो यूट्यूब के अलावा डिफरेंट तरह की साइट्स हैं। दीज आर नॉट यूट्यूब साइट्स, या ये youtube.com नहीं है, ये एक इंडिपेंडेंट साइट्स हैं जिधर आप काफ़ी ज़्यादा यूट्यूब की वीडियोज़ देखते होंगे। ये कैसे होता है? दीज आर कॉल्ड एम्बेडेड वीडियोज़, एंड इस प्रोसेस को हम कहते हैं एम्बेडिंग। एम्बेडिंग अलाउज यू टू ऐड कॉन्टेंट टू योर वेबसाइट दैट इज़ होस्टेड समवेयर एल्स। तो इसी तरह ये जो कुछ साइट्स हैं जिन पे आपको ये यूट्यूब की वीडियोस नज़र आ रही होती हैं, शोज़ हो गए, म्यूज़िक हो गया, ये साइट बेसिकली उसको कॉन्टेंट को एम्बेड कर रही होती हैं। सो दिस इज़ अ वेरी अमेजिंग फीचर दैट मोस्ट वर्डप्रेस वेबसाइट्स हैव, एंड वी आर गोइंग टू टेल यू हाउ एंड वाई to do that. Ek cheez zehn mein rakhiyega ki when you're embedding content, you do not need to upload the file to your site. So aap jab file upload hi nahi kar rahe kyunki file kahin aur hosted hai, that saves a lot of storage space on your website. You're basically creating a viewable link to the content. Aap kar ye rahe hain ki aap us content ke liye ek viewable link create kar rahe hain apni website mein. So that makes it easy for your viewers to see content on your website but while it's hosted somewhere else. Kuch question jo aapke zehen mein aaye, can WordPress embed content from other websites? I have a very good news for you. WordPress can embed content from a lot of other websites and some of the popular websites jinka abhi main aapko bataunga. And WordPress does this in a very very seamless मैनर, जो भी आपको हम सिखाएंगे भी, आपको बताएंगे भी, और आपको इसकी एक टेस्ट ड्राइव पे भी लेके चलेंगे। टू एम्बेड समथिंग इन योर पोस्ट और पेज, आपने सिंपली उसका लिंक या उसका यूआरएल अपने पेज में पोस्ट कर देना है। सो बाय सिंपली पुटिंग योर यूआरएल इन दैट पोस्ट और पेज, आपका कॉन्टेंट ऑटोमैजिकली, नोटिस द वर्ड ऑटोमैजिकली नॉट ऑटोमैटिकली, ऑटोमैजिकली आपका कॉन्टेंट आपके सामने एम्बेड हो जाएगा। हाउ इज दिस डिफरेंट टू अपलोडिंग अ फाइल टू द साइट? वो इस तरह कि अब इस केस में आपके पास कोई अपलोडिंग टाइम यूज नहीं हो रहा, आपकी फाइल डायरेक्टली अपलोड नहीं हो रही, बल्कि फाइल एक ऑलरेडी जो एग्जिस्ट करती है किसी और सर्वर पे, किसी और होस्टिंग पे, किसी और साइट पे, वो आपकी साइट पे शो हो जाएगी। एज आई सेड, कॉन्टेंट will be added automatically. आप कुछ एक शॉर्ट कोड यूज करके भी उसका हाइट और उसकी एक विड्थ स्पेसिफाई कर सकते हैं। शॉर्ट कोड क्या होता है? शॉर्ट कोड इज बेसिकली अ लाइन ऑफ टेक्स्ट थ्रू विच यू कैन डिफाइन हाउ योर कॉन्टेंट विल लुक, उसकी हाइट कितनी होगी, उसकी विड्थ कितनी होगी। तो एम्बेड शॉर्ट कोड है क्या? एम्बेड शॉर्ट कोड लुक्स समथिंग लाइक दिस। आप शुरू करेंगे एक ओपनिंग ब्रैकेट से, आप लिखेंगे एम्बेड, साथ आप लिखेंगे उसकी विड्थ हाइट, आप उसके अंदर उसका यूआरएल देंगे वीडियो का, और आप दोबारा ब्रैकेट्स डाल के यू विल क्लिक राइट स्लैश एम्बेड। आप पे ये टोटली डिपेंडेंट है कि आप इस एम्बेड के शॉर्ट कोड को यूज करना चाह रहे हैं कि नहीं। इफ़ यू डोंट वॉन्ट टू यूज इट, दैट्स परफेक्टली फाइन, but this will allow you to control the height and the width of your WordPress website ke andar jo video hai. Ek aur question aapke zehen mein aayega ki which WordPress website support embedded content. So beshak aap wordpress.com pe ja rahe hain ya aap wordpress.org self hosted WordPress website pe ja rahe hain, yahan pe aap content embed kar sakte hain. Kuch sites jo ये एम्बेडेड कंटेंट अलाउ करती हैं, उनकी एग्जांपल्स हैं एनिमोटो, कॉलेज ह्यूमर, डेली मोशन की वीडियोस, हुलू, इंस्टाग्राम की अगर कोई पोस्ट हैं, किक स्टार्टर है, टेड.कॉम है, अगर आपके पास वीमियो की कोई वीडियो है, ऑब्वियसली यूट्यूब,
साउंड क्लाउड के अगर आपके पास कुछ गाने हैं, स्लाइड शेयर है एंड मैनी मोर, इस तरह की बेतहाशा वेबसाइट्स हैं जिससे आप कॉन्टेंट एम्बेड कर सकते हैं. सो नाउ वी विल ट्राई टू एम्बेड लाइव कॉन्टेंट. बट इससे पहले मैं ये करूँ, ये याद रखिएगा कि हम आपसे चाह रहे हैं प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग. प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग का ये मुराद है कि आप जब अपनी साइट 000 वेब होस्ट पे बनाएं तो ज़हन में रखें कि किस तरह की साइट आप बनाना चाह रहे हैं. अगर आप एक म्यूज़िक साइट बनाना चाह रहे हैं तो भी आपको एम्बेड कॉन्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप एक ऐसी साइट बना रहे हैं जिधर आप स्लाइड्स शेयर करना चाह रहे हैं तब भी आपको एम्बेड कॉन्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी. अगर आप एक वीडियो साइट बना रहे हैं वहाँ पर भी आपको एम्बेड कॉन्टेंट की ज़रूरत पड़ेगी. So let's try out and see how we can embed content. Let's go to DigiSkills Saad Hamid. Let's open it. Let's do a quick login. And yahan se let's again create a new post. Aur jis tarah maine aapko bataya tha ki yahan se aap content URL agar likhenge yahan pe ya paste karenge to content aapka direct add ho jayega. उसके अलावा ऐड मीडिया की भी एक ऑप्शन है. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे एक इंसर्ट यूआरएल से भी आप यूआरएल डाल सकते हैं, बट वील इग्नोर दिस फॉर नाउ एंड वील ट्राई टू ऐड अ यूट्यूब वीडियो. सो टाइटल में लिखता हूँ दिस इज अ यूट्यूब वीडियो. और अब मैं खोलूँगा यूट्यूब टू एक्चुअली लुक फॉर द लिंक जिसको मैंने यहाँ पर एम्बेड करना है. तो YouTube पे डिफरेंट तरह की वीडियोस आपको नज़र आएंगी. हम ये करते हैं कि एक वीडियो यहाँ से उठा लेते हैं और इसको हम एम्बेड करते हैं. वीडियो को एम्बेड करने का सबसे पहला तरीका इज़ कि आपने उस वीडियो का URL या उसका जो लिंक है टॉप पे वो नोट कर लेना है. दिस लिंक इज़ गोइंग टू बी क्रूशल बिकॉज इस लिंक को फिर आप वहाँ पे पेस्ट करेंगे एंड ऑटोमेटिकली द वीडियो विल बी एम्बेडेड. तो मैं आपके सामने इस वीडियो का लिंक जो है वो कॉपी कर रहा हूँ यहाँ से, या मैं इसको शेयर पे भी क्लिक कर सकता हूँ, यहाँ से भी मैं उठा सकता हूँ. आइदर वे आप इस तरह लिंक इसका उठाएंगे और आप यहाँ पे आके वो लिंक पेस्ट कर देंगे. सो देखा आपने अचानक क्या हुआ, ऑटोमैजिकली द वीडियो हैज़ बीन एम्बेडेड. एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ वर्डप्रेस कि वो आपको ऑटोमेटिकली जैसे ही आप लिंक को प्रेस करेंगे वो उसको एम्बेड कर देगा. और ये वीडियो यूट्यूब पे ही होस्टेड है. दिस वीडियो इज होस्टेड ऑन यूट्यूब बट इट ऑटोमेटिकली शोज अप हियर. अगर मैं चाहूँ तो मैं इसके नीचे एक और वीडियो भी यहाँ पे ऐड कर सकता हूँ और मैं यहाँ पे इस वीडियो को भी ऐड कर दूंगा. एंड आप देख रहे हैं ऑटोमेटिकली आपकी यहाँ पे वो वीडियो दोबारा ऐड हो गई है. बट जिस तरह मैंने आपको उस फीचर का बताया था कि अगर आप इसकी हाइट चेंज करना चाह रहे हैं तो यू विल स्विच टू टेक्स्ट एडिटर और टेक्स्ट एडिटर में आप यहाँ पे लिखेंगे एम्बेड और आप लिखेंगे विड्थ, आप लिखेंगे हाइट और आप इसके एंड पे भी क्लोजिंग एम्बेड टैग डालेंगे. और अब हम देखते हैं कि सामने ये वीडियो किस तरह से चेंज हुई है. तो आप देख रहे हैं कि इसका साइज छोटा हो गया. दिस इज वन वे टू चेंज द विड्थ एंड हाइट ऑफ द एम्बेडेड कंटेंट. और आपको सामने भी मैं लाइव दिखाऊंगा कि ये सामने भी इसी तरह से चेंज होकर आपको नजर आएगा. ये देखें, बट ये आपने याद रखना है कि कोड रिलेटेड कोई भी चेंजेस है तो वो आप टेक्स्ट एडिटर में करेंगे, विजुअल एडिटर में नहीं करेंगे. तो दिस इज एन इंपॉर्टेंट पॉइंट. इसके अलावा साउंड क्लाउड का कोई अगर साउंड है, लेट्स ट्राई टू एम्बेड दैट एज वेल. और साथ ही मैं स्लाइड शेयर खोल लेता हूँ ताकि उसको भी मैं आपको एम्बेड करके दिखा सकूँ हाउ प्रेजेंटेशन विल वर्क. तो साउंड क्लाउड में लेट्स से आपको कोई एक गाना मिला है, हम एक कोई भी सिंगल ये उठा लेते हैं फाइल और पेस्ट करते हैं एंड वी विल सी व्हाट हैपेंस. सो यू कैन अगेन सी के ऑटोमैटिकली
वर्डप्रेस ने साउंड क्लाउड की इस फाइल को एम्बेड कर दिया। इसी तरह अगर हम स्लाइड शेयर से चाहें, हम स्लाइड शेयर पे जाते हैं और हम इसकी कोई प्रेजेंटेशन जो हम एम्बेड करना चाह रहे हैं वो भी हम यहाँ पे एम्बेड कर सकते हैं। सो लेट्स पिक अ रैंडम टॉपिक। ये एक बल्कि बड़ा रेलेवेंट आपके लिए स्किल रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्यूचर जॉब्स, इसको हम यहां पे एम्बेड करेंगे एंड अगेन ऑटोमेटिकली यू विल सी कि ये आपकी साइट पे ऐड हो जाएगा। यू विल अपडेट योर साइट एंड यू विल सी के कंटेंट यहां पे अपडेट हो गया। सो दीज आर सम वेरी स्मॉल बट गुड एग्जांपल्स ऑफ हाउ यू कैन एम्बेड कंटेंट टू योर वेबसाइट। तो इसको जेन में रखिएगा, इसको साथ साथ यूज करते रहिएगा, कॉन्टेंट ऐड कीजिएगा अपनी वेबसाइट में टू मेक इट मोर इंटरैक्टिव।